चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय राजधानी से मात्र 70 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बसा वर्तमान में 3,75,000 की विशालकाय जनसंख्या वाला शहर पश्चिम यूपी का हैंडपंप एवं दुग्ध डेयरी उद्योग का केंद्र बिंदु, यूपी 13 से पंजीकृत होने वाले वाहनों का अधिकृत जनपद, जनसंख्या के दृष्टिकोण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 22वां, मेरठ मंडल का 4था एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 13वां सबसे बड़ा शहर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 तहसीलों वाला एकमात्र ज़िला, मेरठ जोन पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जनपद बुलंदशहर। तो आइए बुलंदशहर की यात्रा को प्रारंभ करते हैं शहीद स्तंभ कालाम चौराहा से। इस चौराहा पर ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता सेनानियों को आम के पेड़ों पर फांसी पर लटकाया जाता था और इसे कत्लेआम चौक के रूप में जाना जाता था, जो कालांतर में बदलकर कालाम हो गया। बुलंदशहर के इस भव्य एवं विशाल आकार वाले चौराहे पर ही ऐतिहासिक मलका विक्टोरिया पार्क स्थित है, जहां ब्रिटिश काल में निर्मित भव्य घंटाघर आकर्षण का मुख्य केंद्र है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस पार्क को अब आधुनिक रूप दे दिया गया है। वर्तमान में इसे राजेबाबू पार्क के रूप में भी पहचाना जाता है। घंटाघर के नीचे गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। ब्रिटिश काल में यहाँ विक्टोरिया की मूर्ति थी, जिसे आज़ादी के बाद बदलकर गांधी मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। कालाम चौक से कुल 6 प्रमुख सड़कें प्रारंभ होती हैं। उत्तर में डीएम रोड, उत्तर पश्चिम में पुलिस लाइंस मार्ग, उत्तर पश्चिम में ही दिल्ली मार्ग, पश्चिम की ओर कचहरी मार्ग, दक्षिण पूर्व में जिला अस्पताल मार्ग एवं पूर्व की ओर मोतीबाग रोड प्रारंभ होता है। कचहरी मार्ग पर चंद कदमों की दूरी पर ही एक और प्रमुख चौराहा कलेक्ट्रेट चौक नजर आता है, जहां बुलंदशहर के जिलाधिकारी कार्यालय की ओर प्रवेश किया जाता है। यहां से एक मुख्य सड़क दक्षिण में राजेबाबू रोड एवं पश्चिम में कचहरी मार्ग के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं जिला न्यायालय होकर चांदपुर स्थित जीटी रोड से जोड़ती है। उत्तर में प्रारंभ होने वाला डीएम रोड शहर के सबसे पॉश क्षेत्रों में गिना जाता है। इस मार्ग पर अनेकों वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स नजर आते हैं। यह मार्ग प्रेमनगर तिराहा, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निवास स्थान समेत तमाम आला अधिकारियों की आवासीय कॉलोनियों से होते हुए आवास विकास प्रथम चौराहा होकर भूड़ चौराहे से आने वाले बुलंदशहर मेरठ राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर प्रस्थान कर जाता है। उत्तर पश्चिम की ओर जाने वाला दिल्ली मार्ग भी शहर के अति महत्वपूर्ण मार्गों में एक है। इसी मार्ग पर बुलंदशहर का नुमाइश मैदान स्थित है, जहां लगभग 150 वर्षों से जिला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली मार्ग भी बेहद विकसित क्षेत्र है। अंग्रेजों ने 1803 में जिला प्रणाली लागू की, तब बुलंदशहर जनपद को अलीगढ़ जनपद में रखा गया। 1818 में मेरठ जिला बनने पर इसका कुछ हिस्सा मेरठ जिले में शामिल कर दिया गया, किंतु 1826 में ही अंग्रेजों द्वारा बुलंदशहर को जनपद घोषित कर दिया गया एवं यहां 4 तहसीलों अनूपशहर, बुलंदशहर, खुर्जा एवं सिकंदराबाद गठित की गईं। 1976 में बुलंदशहर के जनपद के दादरी एवं बिसरख क्षेत्र को नए बने गाजियाबाद जनपद में स्थानांतरित कर दिया गया। 1997 में फिर बुलंदशहर का विभाजन हुआ और यहाँ के जेवर, दनकौर क्षेत्र इत्यादि को काटकर नोएडा जिला अस्तित्व में लाया गया। दिल्ली मार्ग रेलवे ऊपरगामी सेतु से होकर भूड़ क्षेत्र में प्रवेश किया जाता है एवं अनेकों चमचमाती इमारतों से होते हुए लगभग 3 किलोमीटर सफर तय करके आरटीओ ऑफिस बुलंदशहर, विकास प्राधिकरण कार्यालय, यमुनापुरम आवासीय योजना के उत्तरी द्वार से होकर साक्षरता द्वार में प्रवेश करके शहर के बेहद व्यस्त चौराहे भूड़ चौराहे पर पहुँचता है। भूड़ चौराहा पर पश्चिम की ओर सड़क दिल्ली गाजियाबाद की ओर, दक्षिण की सड़क खुर्जा अलीगढ़ आगरा कानपुर की ओर, उत्तर की ओर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग हापुड़ मेरठ मुजफ्फरनगर की ओर प्रस्थान कर जाता है। खुर्जा अलीगढ़ की ओर जाने वाले मार्ग पर बुलंदशहर का ग्रांड एमएमआर मॉल, गंगानगर आवासीय योजना, ट्रांसपोर्ट नगर आवासीय योजना इत्यादि मुख्य स्थान बसे हुए हैं।
यह सड़क चांदपुर कोतवाली देहात एवं सदर तहसील के निकट डीएवी चौराहे से आने वाले खुर्जा रोड में सम्मिलित होकर खुर्जा अलीगढ़ की ओर प्रस्थान कर जाता है। ग्रांड एमएमआर मॉल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े शॉपिंग मॉल्स एवं सिनेमा कॉम्प्लेक्सों में गिना जाता है। कालाम चौक से पूर्व में जाने वाला मोतीबाग मार्ग शहर के बेहद व्यस्त मार्गों में गिना जाता है। बुलंदशहर का इतिहास राजा अहिबरन से जुड़ा हुआ है। लगभग 1200 वर्ष पूर्व उन्होंने काली नदी के पश्चिमी किनारे पर एक ऊंचे टीले पर किले की नींव रखी, जिसे आज ऊपरकोट के रूप में जाना जाता है। मोतीबाग रोड मोतीबाग, लाल तालाब चौराहा इत्यादि से होकर गुजरता है। लाल तालाब चौराहा से उत्तर पश्चिम में एक मुख्य क्षेत्र कृष्णानगर के रूप में पहचाना जाता है, जो वर्तमान में सभासद तुषार अग्रवाल उर्फ तन्नु भैया जी के नेतृत्व में तेजी से विकसित हो रहा है। मुख्य मार्ग लाल तालाब से डिप्टीगंज क्षेत्र में प्रवेश करता है, जहां बेहद व्यस्त चौराहा डिप्टीगंज चौराहा कहलाता है। पूर्व की ओर बढ़ते हुए बूरा बाजार चौराहा एवं मंडी फतेहगंज, मंडी ग्राउसगंज इत्यादि से होकर सड़क अग्रसेन चौक एवं काली नदी के सेतु पर पहुंचती है। यहां काली नदी पर पुराना घाट एवं ब्रिटिश काल में बना सेतु स्थित है। यहां दक्षिण की ओर का मार्ग ऊपरकोट की ओर प्रवेश करता है। काली नदी मुजफ्फरनगर जनपद से प्रारंभ होकर मेरठ हापुड़ जिलों से होते हुए बुलंदशहर में पहुंचती है एवं दक्षिण पूर्व में अलीगढ़ कासगंज एटा मैनपुरी फर्रुखाबाद जनपद से होकर कन्नौज जनपद में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। पूर्व की ओर बढ़ते हुए सैदपुर तिराहा फैसलाबाद किदवई नगर इत्यादि से होकर काली नदी रोड के रूप में यह सड़क शहर के एक और व्यस्त चौराहे स्याना अड्डा चौराहा से जोड़ती है। इस बेहद महत्वपूर्ण चौराहे से उत्तर पूर्व में एक राष्ट्रीय राजमार्ग स्याना गढ़मुक्तेश्वर की ओर, दक्षिण पूर्व में एक राष्ट्रीय राजमार्ग बदायूं बरेली की ओर एवं पूर्व में बुलंदशहर मुरादाबाद राज्य राजमार्ग आवास विकास द्वितीय कॉलोनी एवं नवीन मंडी बुलंदशहर के परिसर से होकर अनूप शहर संभल मुरादाबाद की ओर प्रस्थान कर जाता है। कालाम चौक से दक्षिण पूर्व में जिला अस्पताल मार्ग भी शहर के बेहद मुख्य सड़कों में गिना जाता है। इस मार्ग पर नगर के शिवचरण इंटर कॉलेज, गांधी बाल निकेतन बालिका इंटर कॉलेज एवं जेपी जनता इंटर कॉलेज समेत जिला अस्पताल, नगर पालिका परिषद का कार्यालय इत्यादि स्थापित हैं। यह सड़क पुरानी जेल के परिसर से होते हुए शहर में व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण चौराहे अंसारी रोड चौराहा से जोड़ता है। अंसारी रोड चौराहा बेहद व्यस्त एवं विकसित क्षेत्र है। यहाँ से पश्चिम में जिला अस्पताल मार्ग, उत्तर में मालवीय मार्ग, पूर्व में अंसारी रोड एवं दक्षिण में रेलवे रोड प्रारंभ होता है। इसी चौराहे पर ऐतिहासिक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज एवं मुख्य डाकघर स्थित हैं। यहाँ उत्तर में जाने वाला मालवीय मार्ग व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस मार्ग पर मोबाइल एसेसरीज, आँखों के चश्मे एवं बैंड बाजा के व्यवसाय मुख्यतः स्थित हैं। यह सड़क अंबर सिनेमा चौराहा होकर लगभग 700 मीटर का सफर तय करके अपने उत्तरी छोर पर डिप्टीगंज चौराहा से जुड़ जाता है। अंसारी रोड से पूर्व में मुख्य बाजार अंसारी रोड स्थित है, जहां अनेकों उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिष्ठान बुलंदशहर के संपन्न व्यापारिक वर्चस्व की छवि प्रस्तुत करते हैं। अंसारी रोड अपने पूर्वी छोर पर चौक बाजार स्थित हनुमान चौक पर पहुंचता है। हनुमान चौक पर आमने सामने भगवान रामचंद्र एवं हनुमान जी के मंदिर स्थित हैं। यहां से चौक बाजार दक्षिण की ओर खुर्जा गेट की ओर प्रवेश कर जाता है। पूर्व में प्राचीन बाजार तहसील खड़ंजा ऊपरकोट स्थित पुरानी तहसील चौराहा से जोड़ता है एवं उत्तर में चौक बाजार का मुख्य भाग प्रारंभ होता है। चौक बाजार बुलंदशहर के सबसे मुख्य बाजारों में गिना जाता है। यह बाजार दक्षिण में खुर्जा गेट चौराहा से उत्तर में सर्राफा बाजार चौराहा तक फैला हुआ है। यह बाजार आर्य समाज मंदिर लाल कुआं होते हुए सर्राफा बाजार में प्रवेश करके सर्राफा बाजार चौराहा पर पहुंचता है, जहां पूर्व में कसाई बाड़ा होकर नरसल घाट की ओर, उत्तर में कबाड़ी बाजार एवं पश्चिम में गांधी चौक स्थित है, जो बूरा बाजार होकर कालाम चौराहे को स्याना अड्डा चौराहे से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर
बूरा बाजार चौराहा से जोड़ देता है। कालाम के निकट कलेक्ट्रेट चौराहे से दक्षिण में प्रारंभ होने वाला और राजे बाबू रोड बुलंदशहर के बेहद मुख्य मार्गों में सम्मिलित होता है। इस मुख्य मार्ग पर भी दोनों ओर अनेकों व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स स्थित हैं। यह मार्ग मुस्लिम इंटर कॉलेज, मुस्लिम बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लल्ला बाबू चौराहा, टीचर्स कॉलोनी और राजकीय इंटर कॉलेज से होकर डीएवी कॉलेज चौराहा एवं डीएवी फ्लाईओवर से जोड़ता है। इस चौराहे पर उत्तर में अंसारी रोड से आने वाला मुख्य मार्ग रेलवे रोड, जो ईदगाह रोड तिराहा, साठा रोड तिराहा, रोडवेज बस स्टैंड बुलंदशहर इत्यादि से को जोड़ते हुए डीएवी कॉलेज चौराहा पर पहुंचता है। डीएवी फ्लाईओवर से चार प्रमुख सड़कें राजे बाबू रोड, रेलवे रोड, खुर्जा रोड एवं शिकारपुर बाईपास रोड प्रारंभ होते हैं। शिकारपुर बाईपास मार्ग पूर्व में 3 किलोमीटर सफर तय करके शास्त्री नगर मामनचुंगी होकर बदायूं रोड से जोड़ता है। फ्लाईओवर से दक्षिण पूर्व में ही बुलंदशहर रेलवे स्टेशन का परिसर स्थित है, जहां से खुर्जा जंक्शन को मेरठ जंक्शन से जोड़ने वाला रेलमार्ग गुजरता है। खुर्जा रोड दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए लगभग 2 किलोमीटर सफर तय करके अंबा एन्क्लेव, मानसरोवर कॉलोनी इत्यादि से गुजरते हुए गंग नहर पर पहुंचता है, जहां गंग नहर की दो शाखाएं बहती हैं। नहर के दोनों ओर सुंदर घाट एवं पिकनिक स्पॉट विकसित किए गए हैं, जहां शहर के लोग मौज मस्ती करने इकट्ठा होते हैं। नहर के पार दो मुख्य सड़कें जेवर एयरपोर्ट एवं पलवल की ओर एवं खुर्जा अलीगढ़ मार्ग के रूप में प्रस्थान कर जाती हैं। नहर के निकट ही महाराणा प्रताप चौक पर नया रोडवेज बस स्टैंड विकसित किया गया है, जहां से नोएडा एवं मेरठ की बस सेवाएं संचालित की जाती हैं। यह सड़क उत्तर में भोड़ चौराहा से जोड़ती है। बुलंदशहर नगरीय क्षेत्र में ऊपरकोट क्षेत्र सबसे पुराने बसे हुए क्षेत्रों में एक है। यहाँ सबसे प्रमुख सड़क पुरानी तहसील रोड के रूप में पहचानी जाती है, जो अपने उत्तरी छोर पर पुराने काली नदी के सेतु से प्रारंभ होकर दक्षिणी छोर पर भूतेश्वर मंदिर तक फैली हुई है। इसी मुख्य सड़क पर पहले तहसील संचालित होती थी एवं इसी मार्ग पर वर्तमान में कोतवाली शहर स्थापित है। रोडवेज बस स्टैंड से साठा रोड के रूप में प्रारंभ होने वाली सड़क भी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में गिनी जाती है। यह सड़क देवी मंदिर चौराहा होकर खुर्जा गेट चौराहा से जोड़ती है। खुर्जा गेट भी बुलंदशहर के प्रमुख चौराहों में गिना जाता है। बुलंदशहर में वर्तमान में कुल 1 दर्जन से अधिक इंटर कॉलेज, लगभग 20 अंग्रेजी माध्यमिक इंटर कॉलेज, लगभग 1 दर्जन डिग्री कॉलेज एवं महाविद्यालय स्थापित हैं। यहाँ पूर्व समय में 6 सिनेमाघर भी थे, जो दर्शकों की कमी के चलते एक एक करके अतीत के पन्नों में खो गए। बुलंदशहर को कैमरे में कैद करना मेरे लिए बेहद सौभाग्य का विषय था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बुलंदशहर सिटी पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें, जो बुलंदशहर जनपद एवं बुलंदशहर सिटी से जुड़े हुए हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।